फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू टमाटर बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही कम मसालों के साथ। ये सब्जी बहुत ही हल्की होती है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे हम पूड़ी, रोटी और चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आइए बनाते हैं आलू टमाटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने कुकर रख दिया है, गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें हम डालेंगे ऑयल। ऑयल में हमेशा सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ। तो आप इसमें हम 2-3 टेबल स्पून के हिसाब से ऑयल डाल देते हैं और इसको पकने देते हैं। ये देखिए, ये हमने 2-3 टेबल स्पून के स्पून ऑयल डाल दिया। अभी इसको हम गरम कर लेंगे। जब तक ये गरम हो रहा है तब तक हम अपना इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं क्या क्या सामान इसमें लगेगा। तो सबसे पहले ये हमने आलू ले लिए हैं, ये ले लिए हमने आलू, ये करीब 3 आलू हैं, मीडियम साइज में काट लिए हैं। ये हमने लिया है 2 टमाटर, 1 हरी मिर्च और धनिया, बस हम इतना ही डालेंगे इसमें। टमाटर को हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे और ये हमारे मसाले, बेसिक मसाले ही पड़ेंगे इसमें। ये कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा और हींग। तो देखते हैं हमारा ऑयल अभी गर्म हो रहा है, 5 मिनट इसको लगेंगे गर्म होने में, तब तक हम वेट करते हैं। तो ये हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे जीरा, हींग, और ये कटे हुए टमाटर। इसी स्टेज पे हम डालेंगे इसमें नमक। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ अभी। अब इसमें डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर 1 टीस्पून और डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर हम इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे क्योंकि आलू टमाटर की सब्जी में ज़्यादा धनिया पाउडर डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो थोड़ा ही डालेंगे हम। ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर डाल दिया, छोटी वाली चम्मच, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये टमाटर हमारे तेल छोड़ देंगे, मसाला हमारा तेल छोड़ देगा, ये देखिए टमाटर ने और मसाले ने तेल छोड़ दिया है, तब इसमें हम डाल देंगे आलू। ये जो हमारे कटे हुए रखे हैं, ये आलू हम इसमें डाल देंगे। और इस आलू डालने के बाद हम करीब 4-5 मिनट इसको ऐसे ही पकने देंगे मसाले के साथ में। तेज गैस कर लेंगे और इसको अच्छे से आलू को इन मसाले के साथ फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मसाला अच्छे से आलू में मिक्स हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे पानी।
ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अभी हम पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे, क्या होगा जब ये आलू अच्छे से बॉईल हो जाएंगे ना तो सब्जी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए पानी थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, नहीं तो फिर हमारी सब्जी बहुत गाढ़ी गाढ़ी बनेगी, वो स्वाद नहीं आता आलू टमाटर में। ये देखिए कंसिस्टेंसी इसकी, ये देखिए तो इसमें पड़ गया है 1.5 गिलास पानी। 3 आलू थे, 2 टमाटर थे और 1.5 गिलास पानी डाला है इसमें हमने। अब इसको हम ढक्कन लगा देंगे और 2 सीटी आने तक पका लेंगे। तो इसको तो 7 से 10 मिनट का टाइम लग गया है, तो अब हम खोल के देखते हैं ढक्कन इसका, चेक करते हैं कि सब्जी हमारी बन गई है, आलू पक गए हैं या नहीं। ये देखिए आलू को हम ऐसे काट के देख लेंगे, आलू हमारे अच्छे से पक चुके हैं। अभी सब्जी को हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं अपने बाउल में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा हम 1-2 आलूओं को मैश कर देंगे हल्का हल्का, और ये देखिए सब्जी का कलर लग रही है ना कितनी अच्छी देखने में। अब इसमें हम डाल देते हैं धनिया मिर्च, ये जो हमने हरी धनिया हरी मिर्च ली थी ना वो हम इस टाइम पे डालेंगे जब सब्जी बिल्कुल बन जाए। धनिया हरी मिर्च ये देखिए, ये हमारी आलू टमाटर की सब्जी बनके तैयार है। आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अगर पसंद आई हो तो मेरे YouTube चैनल कुकिंग फीस्ट को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए